ओके तो गाइस स्वागत है आपको का फॉसिल के एक नए एपिसोड में। तो गाइस पिछले एपिसोड में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने थोड़े बहुत चीजें मतलब गाड़ी वगैरह जो है खरीद लिया था, बट पिछले एपिसोड में ना मतलब ज्यादा हमारे मुनाफा देखने को नहीं मिला, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। देखो पहली बात मुझे जो है पता नहीं था इस गेम के बारे में और मैं बस वो चीज कर रहा था। अभी देखो फिलहाल के लिए मैंने जो अपना शोरूम को जो है वो और ओपन कर दिया, तो अभी देखो इसका जो प्राइस है ना ये अभी मेरे को ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अभी देखो पिछले एपिसोड में क्या कर रहा था मैं जो है बस थोड़े बहुत चीजें जो है मतलब कम दामों में गाड़ी को लेके आ रहा था और बेचने का सोच रहा था कि भाई मेरे को दाम बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इस गेम के बारे में मैंने थोड़ा सा जानकारी हासिल की, उसके बाद मेरे को पता चला कि भाई हमें बिजनेस को जो है थोड़ा सा ऊपर दामों में जो है रखना होगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 6,800 मैंने डॉलर पे मैंने इस ट्रक को खरीदा था, उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने $350 का जो मैंने थोड़ा सा मतलब रिपेयर वगैरह किया है, टोटल मैंने इसका प्राइस रखा है $12,000, ठीक है। अभी देखते हैं ये कितना ज्यादा वो चीज देता है, अभी देता भी है या नहीं। ओके तो एक कस्टमर आ चुका है, इससे बात करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, देखते हैं और कितना भाव मिलता है। तो चलो 5,754 में ये ऑफर दे रहा है, बट इसको हम लोग ऑफर करते हैं 9,000। चलो नौ नहीं, इतना कम नहीं भाई, 10,000 में हम लोग इसको जो है ऑफर करते हैं। अगर दे देता है तो ठीक है, वरना जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यार ये लोग समझते क्यों नहीं है भाई, एक चीज अरे यार नहीं सेल नहीं करना है। ओके एक और आंटी जी आ चुकी है, तो चलो इनको देखते हैं, वैसे डैमेज ज्यादा नहीं है। ओके $6,000 देने की कर रहे हैं, तो चलो इनको मैं एक सेकेंड एक और आ चुके हैं ना, तो एक काम करते हैं, देखते हैं पहले इनको ये कितने प्राइस में बोल रही है। चलो देखते हैं 6,000। ओके ये थोड़ा ज़्यादा बोल रही है, चलो एक काम करते हैं 10,000 इनको लिखते हैं और उसके बाद मिलेगा क्या मुझे। अरे यार ये तो भैया ठीक है, चलो 9,000 पे करते हैं, एक बार 9,000 पे दे दो यार, एक ही दाम पे अटके हुए हैं यार, इतना ज्यादा नहीं चाहिए वो, हटो यहाँ से। ओके इनको देखते हैं 9,000 पे ये देंगे या नहीं, मुझे नहीं पता भाई, इतना तो मेरे प्राइस पे भी नहीं है। अरे बेच क्यों दिया भाई, अरे मैंने गलती से बेच दिया यार, खुले पिले भाई मैंने नुकसान कर लिया, अपने ही कुल्हाड़ी मार ली भाई। ओके तो खैर जो भी होगा देखा जाएगा भाई, अभी सबसे पहले कंटेनर पे चलते हैं भाई, मुनाफा तो हो नहीं रहा भाई, ऊपर से नुकसान लग रहा है। तो चलो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है, और गाइस वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले देखो मैं नेबरहुड जाने वाला हूँ, यहाँ पे ना बहुत सस्ते दामों में जो है कार मिल जाते हैं, चलो अभी देखते हैं। अभी देखो मेरा एक ही कंडीशन है, देखो अभी इतना सस्ते में नहीं लेने का, ठीक है। 8,000-9,000 पे अगर कोई अच्छी गाड़ी मिल जाती है ना तो मैं उसको बेचूंगा 20,000 डायरेक्ट, मैं 20,000 पे बेचूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं इसका डैमेज तो थोड़ा सा है, 46,000। ओके इतना ज्यादा नहीं है भाई, औकात से बाहर नहीं जाना है का। ओके तो वैसे ये गाड़ी मेरे को पता है, ये जो है ये गाड़ी बहुत ज्यादा मिलेगी भाई, सुपरा है क्या ये पता नहीं, 44,000। वैसे एक बार बार्गेनिंग करके देखते हैं, वैसे कोई फायदा तो है नहीं, 10,000 पे अगर मैं करके देखूंगा तो नहीं देगा, मुझे पता है, आई एम सॉरी भाई मुझे पता था। आज पता नहीं यार यहाँ पे नेबरहुड में इतने ज्यादा कम क्यों प्राइस, मतलब इतने ज्यादा कम क्यों है, 9,000 पे मिल रहा है भाई, देखना पड़ेगा गाड़ी की कंडीशन एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारी गाड़ी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 9,000 पे मिल रहा है, तो इनसे मैं बात करता हूँ 7,000 पे अगर मेरे को दे देंगे 70,000 नहीं भैया, अच्छा ठीक है चलो इनसे मैं बाद में बात करता हूँ। अगर कोई गाड़ी, ये गाड़ी वैसे मेरे को ठीक ठाक तो लग रही है, मेरे को ठीक ठाक तो लग रहा है, लेकिन मेरे को ना 3,000 इतना कम नहीं चाहिए भाई, इतना भी कम मत दो कि भाई वो बिकने में ज़्यादा पापड़ बेलचना पड़ जाए भाई। ओके तो गाइस मैं फैसला करता हूँ कि इसी को ही मैं ले लेता हूँ, चलो थोड़ा सा कम करते हैं, 7,000 मैंने बोला था, 7,500 पे देखते हैं, 7,500 पे देखते हैं ये क्या देंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, अनफॉर्चुनेट प्राइस नॉट। अरे भाई ये तो बार्गेन करना ही बंद कर दिया, चलो खरीदना होगा। वैसे इसको थोड़ा सा मैं रिपेयर कर सकता हूँ, थोड़ा सा रिपेयर कर देते हैं उसके बाद इसको बेचा जाएगा भाई अच्छे दामों में, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं अगर कोई पैसे वैसे मिल जाए ना तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, वैसे थोड़े बहुत तो पैसे यहाँ से मिल जाएंगे। चलो ये हैमर वगैरह का सीन है भाई, हैमर का ना खरीदना पड़ेगा, आज मैं सोच रहा हूँ भाई
कुछ तो मैं जो है अपने मुनाफा वो मैं कर सकूं। अरे भैया जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये लोग काम क्यों करने लग जाते हैं भैया, जैसे कि मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। 700? अरे भाई इतना ज्यादा वो नहीं है मेरे पास, ऐसे भेज देते हैं। वैसे रिपेयर करने का भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है। चलो डर्टी है ना, डर्टी को हम लोग तो ठीक कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको ऑफ करके यहाँ पे रखते हैं और इसको ना थोड़ा सा फ्यूल अप कर देते हैं। चलो फ्यूल अप मैंने कर दिया पूरा फुल, ये देखो पूरा फुल फ्यूल अप मैंने कर दिया है। एंड डर्टी नहीं, इसको तो मैं ऐसे ही मैं साबुन से मैं घिस घिस के जो है साफ कर दूंगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे भाई दिन ब दिन यहाँ पे कोई कौन कूड़ा फेंक के जाता है भैया, एक एक करके एक्सपी मिल रहा है ना, यही तो दिक्कत है। चलो 86 हो चुका है एंड नाउ मुझे बस थोड़े से और चाहिए, 16 चाहिए, तो इसका ना मैं भेज देता हूँ। चलो इसको ऑन करते मतलब ओपन करते हैं और यहाँ पे रखना पड़ेगा, मुझे रखना होगा 20,000 पे, तो उतना ज़्यादा मैं रखना नहीं चाह रहा हूँ। तो चलो 10,000 में, लगभग 10,000 में मैंने इसको खरीदा है, तो इसको रखना होगा मुझे लगभग मैं रखने वाला हूँ कितना, 20,000। डैमेज भी थोड़ा सा है तो उसके हिसाब से मुझे रखना होगा, तो 20,000 रख देते हैं। चलो जब थोड़े से वो चीज़ कर देता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन भैया इतना पैसे नहीं है मेरे पास, बिल तो अभी खैर आया नहीं है, बट मैं बैंक से ना कोई लोन वोन ले नहीं पा रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे लिखना होगा, चलो 5,000 लोन हमने ले लिया है। ओके तो गाइस 5,000 लोन मैंने ले लिया है, बट अभी मेरे को एक काम करना होगा, तो एक काम करते फटाफट ऑफिस को एक बार बंद करके देखते हैं, मतलब रखते नहीं नहीं ऑफिस ऑफिस को बंद नहीं करते हैं भाई। यहाँ पे ये देखो कस्टमर आ रखे हैं, तो चलो देखते हैं ये 20,000 का कितना भाव देते हैं, 10,000 दे रहे हैं। चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि ये अच्छा दाम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बेच भी दूंगा ना तो भी मेरे को मुनाफा होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं है, तो इसको मैं 15,000 में मैं रखने वाला हूँ। तो चलो 15,000 में रखते हैं, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 15,000 तो आप दे ही सकते हो। क्या हो गया, गुस्सा हो गया क्या, पैसे जेब में है नहीं भाई, 10,000 पे नहीं देने का, चलो चलो जाओ यहाँ से। ओके तो गाइस अभी देखो, अभी मैं चलता हूँ नेबरहुड में। 5,000 पे वैसे भी क्या गाड़ी मिलेगी यार, 5,000 पे क्या मिले, 40,000 ओके नहीं लेने का, देखने का भी नहीं है। अरे रात भी हो गई भाई, $10 का चूना लगा दिया मैंने। अरे भैया ऐसे ग्लिच ना दिखा। ओके ट्रक कितने में बेच रहा है भाई? ओके तो मैं इसको ऑफर करता हूँ 5,000 पे, 5,000 पे मुझे मिलेगा तो नहीं भाई, नहीं देगा ये, इतना कम में बेचेगा नहीं भैया हमारे। ओके यहाँ पे गाड़ी मेरे को दिख रही है, तो ये बात करते हैं, ये आंटी से बात करते हैं, 25,000 ये तो देखना भी नहीं है भैया, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। ओके वैसे यहाँ पर भी एक गाड़ी है, मतलब ये कुछ, अरे ये वो वाली गाड़ी है भाई जो मैंने गलती से बेच दिया है, 3,000 पे मिल रहा है, तो आराम से एक काम करते हैं, पहले देख लेता हूँ। वैसे इस रेंज में मुझे अच्छी गाड़ी तो मेरे को मिलने से रहा, ये वही वाली गाड़ी है जो मैं खरीद रहा था, मतलब जो मैंने गलती से मैंने बेच दिया था ना, वही वाली गाड़ी है। और ये क्या ग्लिच है भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके मुझे एक और चीज़ पता चली, ठीक है, कि गाड़ी को अगर मैं नॉर्मली खरीद के अगर मैं बेच देता हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा गाड़ी को जो है मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके रिपेयर करा के अगर मैं बेचने रखूँ ना, तो ज़्यादा पैसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं वही चीज़ अपनाऊँगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को ना अभी ज़्यादा पैसे चाहिए, मुनाफा तो हो नहीं रहा भाई, उल्टा वो चीज़ हो रहा है। वैसे मैं जो है साफ़ सुथरा मैं घर पे ही करूँगा, क्योंकि इससे जो है पैसे मैं एक्सपी कलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंजन को बंद करके यहाँ पे सबसे पहले अपने शोरूम पे जाते हैं और इसको जो है ओपन करके रखते हैं, क्योंकि भाई कस्टमर आ जाएंगे ना, तो मेरे को ज़्यादा वो चीज़ ना हो। चलो यहाँ पे कस्टमर भी आते रहेंगे, तो मैं फटाफट जाता हूँ और इसको जाके रिपेयर करवा देता हूँ। तो चलो क्या क्या रिपेयर करवाना होगा, डैमेज तो ज़्यादा है नहीं भाई, थोड़ा सा फ्यूल अप करना होगा और डर्टी को हटाना होगा, तो हो जाएगा हमारा काम। तो चलो वैसे अच्छे दामों पर मेरे को मिल चुका है भाई ये गाड़ी। ओके सर जी आप बोलिए, आप कितना दोगे इस गाड़ी का? 11,000। ओ भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ कर रहा है, तो 16,000 मैं तो कर ही सकता हूँ, तो चलो 16,000 तो दे सकते हो ना। अरे यार यही भैया 15,000 पे तो नहीं, नहीं 15,000 नहीं करते, डायरेक्ट 13,000 पे करते हैं। चलो इतना इससे कम नहीं होगा, इससे कम होगा नहीं भैया। अरे यार बेच देते हैं, चलो ऐसे थोड़ा सा, अरे ये सर कम मैम ज़्यादा लग रहे हैं ये देखो। तो चलो फ्यूल पूरा है, डर्टी है, डैमेज एकदम 0-0 है, तो ठीक है अभी इसको जस्ट मेरे को वो चीज़ करना है, बस क्लीन करना है, उसके बाद अपने रख दूंगा इसको मैं 20,000 रखने वाला हूँ। ये देखो हम लोग इसको खरीद, हो गया भाई अब देखना
कितना ज्यादा अच्छे से हम लोग वो चीज कर सकते हैं। ओके काम करते हैं, इसको ना साफ सुथरा कर देते हैं, उसके बाद सुबह आएंगे ना तो वापस से साफ सुथरा करेंगे भाई, स्कैम है ये। तो चलो एक काम करते हैं, नेबरहुड चलते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई क्या प्राइस में मेरे को क्या गाड़ी मिल रही है। ओके तो सबसे पहले देखते हैं ये ट्रक, वैसे ट्रक मैं इतना क्यों खरीद रहा हूँ भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। अब ना देखो थोड़ा सा भाव ना रेंज ना बढ़ाते हैं, थोड़ा सा 10-15 हज़ार का जो गाड़ी है ना वो मैं लेने की कोशिश करता हूँ। ये कितने के है भाई, देखना पड़ेगा, 5,000 भाई, 10-15 हज़ार की जो गाड़ी है ना वो मैं आराम से ले सकता हूँ। ये स्पोर्ट कार लग रहा है ना, 10,000, हाँ चलो यही तो हमें चाहिए थे, 10,000 का मेरे को मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको ना मैं पहले रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी तो टाइम है, अभी तो इसको देखते हैं, ठीक है इसको एक बार देखते हैं, अगर 10,000 के रेंज में आ गया ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। 22,000, इतना पैसा नहीं और कम करेगी भी नहीं, इस गाड़ी को लेते हैं भाई। ये ना स्पोर्ट्स कार देखने में लग रहा है, ठीक है तो इसका जो है प्राइस थोड़ा सा मैं कम करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद बेचूंगा ना बहुत अच्छे खासे मेरे को मुनाफा होगा भाई, 10,600। चलो आप गाड़ी को देखो एक बार, इतना ज्यादा ऑसम है ना, पता नहीं गाड़ी के जो क्या है। तो ये इसने रखा है 10,600, तो 8,000 मैंने इससे मैं करता हूँ, तो देगा क्या ये, दे दिया, नहीं 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 दिया नहीं भाई। तो तू एक काम कर, 9,000 पे दे दे, इससे ज्यादा मत बोल प्लीज यार, 9,000 क्या यार, 9,500 पे दे दे, वरना मुझे वही चीज लेना होगा यार। हो गया, नहीं हुआ सेट द प्राइस, इसने तो कम करने का भाई ठान ही लिया है भाई, इसी पे ही बेचना है इसको। चलो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने इसको खरीद लिया है भाई। गाड़ी के लुक देखो यार, ओ माय गॉड भाई, इसके तो सही मैं दामों पे बेचूंगा इसको। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस शोरूम को पहले खोल देते हैं उसके बाद चलते हैं, क्योंकि भाई कस्टमर आते रहेंगे ना तो ज्यादा मुनाफा हो सकता है। चलो ओके सर जी, ओ बच्चा ये, इसको वो चीज कर सकता हूँ, 19,000। अरे भाई तू 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 निकल यहाँ से। ऑलराइट, तो इस पे थोड़ा सा मैं ट्यूनिंग वगैरह कर देता हूँ, ये कर देते हैं ये भी कर देते हैं। सस्पेंशन मैं थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ, तो सस्पेंशन को थोड़ा सा, स्पोर्ट्स कार है ना तो थोड़ा सा ही बढ़ाता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। चलो इतना बढ़ाऊंगा तो ज्यादा वो चीज हो जाएगा। चलो नंबर प्लेट इस पे रखते हैं, चलो ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाया, बट मैं इसका प्राइस जो है मैं थोड़ा सा वो चीज करके देखता हूँ। ड्रिफ्ट मार रहा है। चलो तो सबसे पहले चलते हैं और इसको सेल पे रखते हैं। मैंने कितने में बाय करा था आई हैव नो आइडिया। ओके तो 10,000 पे मैंने इसको बाय करा था, 1500 मैंने इस पे खर्च किया है, तो इसका प्राइस मैं रखने वाला हूँ 22,000 पे रखते हैं पूरा, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बहुत पैसे खर्च कर रहा हूँ भाई मैं, पैसे तो ठीक ठाक ही रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूँ, बट पता नहीं यार ये मतलब कस्टमर लोग यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई, जैसे कि उनको पता है कि मुझे चुना लगाना। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ओके इस गाड़ी को भी देखते हैं, इस मैडम जी 9,200 इसका प्राइस मैंने रखा, 19,999 से बहुत घटा के मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो चलो 9,000 आप दे दो और गाड़ी आप लेके चलिए भाई। मेरे को एक समझ में नहीं आता है भाई, यहाँ पे ना कोई भी आता है ना तो वो सेम प्राइस क्यों देते हैं यार, 7,000 पे दे दो आप चले जाओ लेके। ओके भाई पता नहीं यार, यहाँ पे जब भी मैं कोई गाड़ी को मैं रखता हूँ, अच्छा मैं ना आई थिंक इसको मुझे बढ़ाना होगा, तो एक्सपी चाहिए। अभी देखते हैं इस गाड़ी के लिए भाई एक मैडम जी आई है, चलो देखते हैं भाई कितना प्राइस मेरे को मिलता है। मैडम जी आप बोलिए, आपको 18,000 मेरे को मिलेगा ना तो भी ज़्यादा अच्छा है, 9,000 दे रहे, चलो 17,000 दे दीजिए, गाड़ी आप ले लीजिए, ठीक है आप चले जाओ। फिर एक और आ गई आपकी जुड़वा बहन, चलो 12,000। ये देखो भैया मैडम, ओ मैडम, एक और सर आ रहे, चलो एक काम करते हैं, इनसे सर नहीं मैम, ये सर और मैम पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओके कितने दे रही है आप, 22,000 का कितना भाव बोल रही है, 22,996। ओके एक काम करते हैं पहले इनसे बात करके देखते हैं और उसके बाद उनसे बात करके देखेंगे, अगर किसी ने तो दे दिया ना भाई साहब। ये देखो ये थोड़ा सा ज्यादा बार्गेन करके देखते हैं, पहले 17,000 आप दे दीजिए, सबका एक ही भाव बोल रही है, 22,000 से सीधा डाउन करके 17,000 पे। अब ठीक है आप 14,000 तो दे सकती है ना, तो 14,000 दे दीजिए,
14,000 में हमने बेच डाला, अभी मुनाफा हो रहा है ना। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या भंगार में हमें क्या मिलता है। जंकयार्ड हम लोग बोलते नहीं, हम लोग भंगार में बोलते हैं। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे एक स्टेयरिंग व्हील है, इसको भी हम लोग कलेक्ट करेंगे। बस नहीं नहीं, इतना तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक वो रेडियो पड़ा हुआ है, ये पिक्के मूवी का रेडियो है रे बाबा। यहाँ पे जाके हम लोग जो है इनको बेच देते है। वैसे 40 में हमें मिल चुका है डॉलर, आने जाने में जो है हमारे खर्च हो जाएंगे। एक गाड़ी हमारे यहाँ पे गाड़ी एक तमेड़ मारेंगे तुम्हारे कान के नीचे, कन पट्टी आप मारेंगे ऐसे। नेबरहुड हम लोग आ पहुंचे हैं। अभी देखो हमारे पास जो पैसे बहुत सारे हैं, तो इस अम्मा जी को हम लोग चुना लगाते, नहीं चुना तो हमें लगा दिया इन सम्मान ने। फैमिली कार को हम लोग देखते हैं कितना आजाद, ये भी चुना लगा रही है भाई। आज हो क्या क्या इनको, 14,000 पे हमें ये गाड़ी मिल रहा है, 14,000 पे मिल रहा है। लेकिन मेरे पास ना थोड़ा पैसा है, तो हम लोग जो 18,000 के रेंज पे जो है हम लोग गाड़ी को देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे को एक अच्छी वाली गाड़ी अगर मिल जाए ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। 12,000 पे ये भी गाड़ी सही है, ये भी गाड़ी सही है। थोड़ा सा मैं रेंज कम कर सकता हूँ, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे 12,000। हाँ भाई साहब, ये गाड़ी एकदम ओपी है, इसको भी देख लेते एक बार फटाफट से। ज़्यादा मत बोलना प्लीज़, 5,000 इतना कम नहीं लेते हैं। ओके, इस तरफ से और कोई गाड़ी नहीं मेरे को मिल रहा, तो एक काम करते हैं, इसको बाय करना सही रहेगा या उसको बाय करना सही रहेगा। इसको बाय करते हैं, आई थिंक ये मेरे चॉइस से ज़्यादा मैच करेगा जितना मुझे लग रहा है। ओके, कितना इसका प्राइस था, 12,754। ओके चलो देखते हैं इसका प्राइस कितना था। ये भी आई थिंक 12,000 का राउंड था, 12,200। ओके, तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए मुझे, ये गाड़ी या वो गाड़ी। एक काम करते, इस वाली गाड़ी का ना मैंने कभी लिया नहीं है, तो ये वाली गाड़ी को खरीद के देखते हैं क्या मेरे को प्राइस मिलता है। 2,000-25,000 पे मैं रखूँगा, वैसे भी बार्गेन कर ही लेते हैं। 10,000 पे बोलते हैं। ओके, तो 11,000 पे दे दीजिए। एक्सपेक्टिंग ओके, तो 11,500 पे दे दीजिए, वरना मुझे वही पे लेना होगा। मिल गयो। एक काम करते हैं, एक बार वापस चलते हैं, और उसके बाद 9,000 का राउंड जो है मैं एक और गाड़ी खरीद लेता हूँ। क्या पता मेरे को कोई सही गाड़ी मेरे को मिल जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रोक देते हैं, इसको ऑफ करके यहाँ से निकलो, और इसको जो है मैं टो करा देता हूँ। चलो टो करा देते हैं, और उसके बाद देखते हैं भाई 9,000 का राउंड मेरे को और क्या गाड़ी मिलती है। 25,000 ये गाड़ी वैसे सही है। दीदी आप बोलिए, आपके प्राइस है 8,848। पहले गाड़ी का लुक देखते हैं। हाँ वैसे ठीक ठाक है, वैसे बार्गेन करते हैं कितना प्राइस था। ओके, तो 8,000 रुपये तो दे रहे हैं ना, तो 7,500 पे आप मान जाइए प्लीज। I cannot accept. तो चलो 8,000 रुपये आप मान जाइए प्लीज। मान गई हमारी दीदी, रात भी हो चुकी है। तो चलो हम लोग गाड़ी को लेके, हम लोग नेबरहुड में इसीलिए आए थे कि रात हो जाए तो हम लोग अपने कंटेनर पे जाके सो जाएंगे। इसको ना थोड़े से पैसे दे, जब जब मैंने इसको पैसे दे रहा हूँ ना, तब तक मेरे जो है नसीब ही खुल रहे हैं। थोड़ा सा ट्यूनिंग वगैरह भी कर लेते हैं। रेसिंग किट तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ड्रिप लगाने की जरूरत है। तो इतना ज्यादा मैंने ड्रिप लगा दिया भाई, चलो इसको ऑफ रोडिंग पूरा कर दूंगा। इसको साफ सुथरा अपने घर पे करते हैं हम लोग जाते नहीं है कहीं पे भाई, इससे एक्सपी मिलेगी ना, तो इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। बहुत गंदा तो है, फ्यूल अप कर देते हैं। वैसे फ्यूल अप मैंने कर दिया है यहाँ पे, ये देखो पूरा फिल अप हो चुका है, डैमेज जीरो है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। चलो अभी इसको बेच देते हैं। चलो अरे भाई, कौन कूड़ा फेंक के चला जाता है भाई। वैसे कूड़ा फेंक रहा है ना, तो अच्छी बात है। वैसे और कुछ है यहाँ पे, वैसे और कुछ मेरे को दिख नहीं रहा। चलो अभी जो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको ओपन कर दिया, इसको सेल पे रख देते हैं। इसका नाम क्या था, ओके नॉट ओके, यही है। चलो 11,500 में मैंने लेके आया था, तो इसका मैंने 1120 मैंने जो है थोड़ा सा पैसे रखा है, तो इसको मैं बेचूंगा 25,000 सीधा। 25,000 कोई वो चीज़ होगा ही नहीं भैया, 25,000 पे सीधा रखूंगा भाई। अपना जो सिस्टम है ना, वो भी ऐसा ही करना होगा भाई, चाहे जो भी हो जाए देखा जाएगा। पहले एक काम करते, इसका देख लेते क्या क्या डैमेज है। डैमेज तो है, वैसे मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, वैसे देखा जाएगा भाई, थोड़ा सा तो वो चीज़ कर सकते हैं। अरे
अभी देखा कि यहाँ पे कोई नहीं था, तो अभी अचानक से कैसे हो गया भाई? भाई कितना पैसा लगेगा भाई? सब 720। अरे यार इतना पैसा नहीं है मेरे पास। एक काम करते हैं, इसको ना मैं अभी फिलहाल के लिए अपने पास ही रखता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा भाई। ओके सर जी, आप वापस कितना प्राइस लेके आ रहे हो? 15,000। चलो बार्गेन करते हैं भैया। आप देखते हैं ये 18,000 पे मानोगे? नहीं नहीं, 18 इतना ज्यादा वो चीज नहीं करूंगा, डायरेक्ट 20,000 में करता हूँ। 2,000 नहीं भाई, 20,000। देखा भाई, ये 15,000 पे ही मान के चल रहा है भाई। 18,000, इससे कम नहीं होगा भाई, वरना मैं लूट जाऊंगा। ओके तुम इतना दे रहे हो ना, ठीक है चलो जाओ यहाँ से। ओके इसको पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको भी बेचने लगा देता हूँ। थोड़े से वो चीज हो रखा है, बट चलो इसको बेचने रख देता हूँ। 16,000 डायरेक्ट। 8,000 पे लिया, डबल तो करना होगा ना, तभी जाके ये हम लोग समझ पाएंगे। एक सेकंड रुक जाइए, इसको जाके फेंक देते हैं। चलो फटाफट से आप बताइए, 25,000 दाम रखा है मैंने, 15,400। चलो 13,000, आप निकलो यहाँ से, सीधा बोल रहा हूँ, निकलो यहाँ से। चलो इससे थोड़ा सा बात करते हैं। 18,000 भाई दे देना यार, क्या दिक्कत है तुम लोग को? बार्गेन करके देखते हैं। 18,500, 18,500 पे तो मान जा भाई। ये भाई क्या है यार, भाई थोड़ा सा पैसे मैं मांग रहा हूँ तो 16,000-17,000 पे मान जा। हाँ खरीद लिया भाई, चलो 17,000 पे मान लिया भाई। ओके तो ज़्यादा पैसे नहीं बढ़ाने हैं, ठीक है? तो चलो 16,000 का मैंने रखा है, 11,000 दे रहा है भाई, 10,000 का तो मैंने लेके आया था। वैसे चलो ज़्यादा वो चीज़ नहीं हो रहा भाई, इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रहा हूँ। 11,800 बोल रहा है ना, तो इसको मैं 14,500 बोलता हूँ। चलो ज़्यादा नहीं बोलना है, बस थोड़ा सा बढ़ाना है, तो 13,000 पे दे दो। ले लिया। ओ भाई क्या मुनाफा हुआ है, ओ अब मेरे को समझ में आ रहा है भाई, ज्यादा वो चीज नहीं बोलना चाहिए भाई। ये देखो कितना ज्यादा मुनाफा हो गया। ओके फटाफट चलते हैं, और जो बिल्स जो है ना वो मैं पे कर देता हूँ। बिल्स कितना है भाई? ओके तो ऑफिस का है, कार्स का है, इतना तो चलो बिल्स पे कर देते हैं। चलो ओके तो 27,000 अभी हमारे पास है, बिल मैंने पे कर दिया। और अभी चलो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं भाई, 40-50 जो ट्रैवलिंग के जो पैसे है वो यहाँ से निकल जाएंगे। कितना बंगार यहाँ पे मेरे को मिलेगा। 2 स्टेरिंग बिल्स है, चलो 2 है तो 40 मेरे को मिल जाएंगे। तो चलो जाने आने में जो है यही से मेरे को मिल जाता है पैसे। इसको मैं ये चीज कर रहा हूँ, ये देखो लेन देन, यू कैन बाय अस हायर प्राइस, अंडरस्टैंड द एंगर लेवल ऑफ कस्टमर्स। इसको ले लेते चलो। अंकल जी थोड़ा सा लेन देन करके आप कर सकते हो, 37,000 दे रहा है ना, तो मैं इसको रखने वाला हूँ, डैमेज नहीं है, फ्यूल भर दूंगा तो हो जाएगा। 27,000 पे मानोगे क्या सर जी? डायरेक्ट 27,000 पे रख रहा हूँ पहले, प्लीज़। अरे यार आप एक काम करो, 27,100 ले लो। भाई नहीं मानेगा भाई। चलो भैया मुझे पता था ये मिलेगा नहीं। वैसे ये गाड़ी, इस गाड़ी को देखते हैं, वैसे ये गाड़ी देखने में तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। चलो सर जी हेलो, देखना भी नहीं है इसको, पहले देख लेते हैं। ये वैसे थोड़ा सा वो चीज है, 21,000। चलो बार्गेन करके देखते हैं, 18,000 पे दे दो भाई। हमें भी तो मिल गया भाई 18,000 पे। ओ भाई और एक गाड़ी खरीद लेते हैं भाई, इसको ना टो करा देते हैं। चलो ओके अभी हमको समझ में आ रहा भाई, अभी मुझे समझ में आ रहा कि कैसे जो है डील किया जाता है। तो ये देखो डैमेज तो है नहीं, तो इसका जो है फ्यूल अप करना होगा और थोड़ा सा मॉडिफाई करके आती है, मतलब कलरिंग वगैरह जो है थोड़ा सा करके देते हैं, ताकि लोगों को जो है वो चीज़ ना लगे कि मैंने जो चॉइस को हल्के में ले लिया। ट्यूनिंग वगैरह भी कर देते हैं, ट्यूनिंग वगैरह करते हैं ना तो ज़्यादा मुनाफा होता है, समझ रहे हो? ड्रिफ्ट मैंने रख दिया, चलो इसको भी रख देते हैं, टर्बो को भी रख देते हैं और इसको नहीं रखते। चलो सस्पेंशन को थोड़ा सा इतना करते हैं। चलो नंबर प्लेट हम लोग लगाएंगे, इसको लगाते हैं। 400 पे क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? वैसे ये जो टायर है ना थोड़ा सा पुराना टाइप नहीं है भाई, इतने में तो आएगा भी नहीं ठीक ठाक से। चलो यही रख देते हैं भाई, इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं थे। ओके अब जो ठीक है, तो लाइटिंग वगैरह देख लो आप।
$34 पड़ा हुआ है मेरे पास और कुछ कर नहीं सकता मैं, तो दो गाड़ियों को मैं रख देता हूँ। डैमेज तो हुआ नहीं है किसी भी गाड़ी पे। भाई ऑडी के तो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। चलो ऑडी को रख देते हैं, 18,000 रुपए मैंने लिया था तो 30,000 तो आराम से बिकेगा भाई। पूरा एकदम 32,000 रुपए मैंने रख दिया। ऑलराइट, तो दोनों गाड़ियों को मैंने जो है यहाँ पे साफ कर दिया। और भाई सबसे पहले बात, यहाँ पे जो ऑडी अगर मेरे को अपने दामों पे अगर मिल गया ना भाई, कमाल का आज मुनाफा होगा भाई। 30,000 तो ऐसे ही कमा लूंगा मैं। अभी उसको भी थोड़ा सा बेच देते हैं। देखो 7,000 पे मैंने खरीदा था तो 13,000 मैं उसका रखता हूँ। वैसे हाँ इतना तो रखना ही चाहिए, 13,000 रख देते हैं। चलो आज 3 मिल गया, चलो 60 मेरे को मिल जाएंगे। आंटी जी ज्यादा पैसे लगेगा नहीं, 13,000 यहाँ पे आप दे सकती हैं, ठीक है। आज पे सेम ओ भाई, हाँ भाई 13,000 पे लेके चले गए भाई, मैंने कुछ करा भी नहीं था उस पे। 7 से 13 भाई डबल, ऐसे आने चाहिए कभी कभार। कितना दे रहे हो? 27,000 दे रहे भाई। चलो इसको थोड़ा सा लेन देन करते हैं। वैसे 27,600 मतलब 28,000 दे रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बढ़ाओ। 30,000 पे मानो प्लीज, 30,000 भाई ऑडी है ये। कंग्रेट, ओ भाई सब क्या मुनाफा हुआ भाई, पूरा का पूरा वो चीज भाई। देखो अभी बिल पे कर देते हैं फटाफट से। अबे बिल आया नहीं क्या? अबे बिल भी नहीं आया। ओके यहाँ पे मुझे कोई कुछ देना होगा। अबे चलो देखते हैं भाई कितना ज्यादा पैसा हम लोग लुटाएंगे भाई। 50,000 तो यहीं पे हो गया भाई। ओके तो गाइस अभी चलते कार मार्केट। मुझे नहीं लग रहा कि कार मार्केट खुला होगा। खुला है। 43,000 हम लोग लेके आए हैं। अब हम लोग अमीर बन रहे धीरे धीरे करके। 14,000 हाट, इतना ज्यादा कम प्राइस हम लोग लेते नहीं है। देखो बंदे के पास थोड़ा पैसा नहीं है कि भैया ये तो दिमाग खराब करने वाले बात कर रहा है। इतना भी नहीं है भैया औकात से बाहर नहीं जाने का। हाँ लिम्बो और गिनी लिम्बो कितने में दे रहा भाई? 4,00,000 देखना ही नहीं। फिर से मेरे को एक ऑडी मिली है जो भाई 15,000 पे मेरे को मिल रहा है भाई ऑडी। चलो इस पे मैं बात कर रहा हूँ, 12,000 पे अगर आप दे दोगे तो ज्यादा अच्छा। 13,000 इतने में तो मान जाइए भाई, 13,000 पे हमने खरीद लिया है गाड़ी। एक और ऑडी मिली है, चलो इसको टो करा देते हैं। अभी भी हमारे पास 30,000 के आसपास हमारे पास पैसे है। तो चलो ये है बगरेजर। ओके 60,000 इतने में देखना ही नहीं है, थोड़ा सा कम प्राइस करो। अगर यहाँ पे नहीं मिला ना तो 30,000 पे नहीं, 30,000 तो नहीं कर सकता। वैसे ये गाड़ी ठीक है, ऑडी टीटी ये भी एक ऑडी है। 28,000 प्लीज मान जाइए ना, आई कैन नॉट एक्सेप्ट। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मुझे थोड़ा सा पैसे भी रखना होगा। पहले मैं इसको देख लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, मैंने उसको खरीदा ही क्यों। इसको देख लेते हैं, वैसे ऑडी है, वैसे ठीक ठाक रेंज पे मिल जाएगा। इसको मैं कहता हूँ 27,000। चलो प्लीज मान जाओ। यू गॉट अ ग्रेट डील, ओ भाई मिल गया भाई, हमने बहुत अच्छे खासे दामों पे जो है कार्स को खरीद लिया है। थोड़ा सा उसको जो है ट्यूनिंग वगैरह कर दूंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो चलो तो सबसे पहले ऑडी को जो है बाद में देखते हैं, पहले इसको कराते हैं क्योंकि ये मैंने ज्यादा पैसे देके मैंने खरीदा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रोक देते हैं, यहाँ पे रोको, इसको उतरो, पहले देख लेते हैं क्या क्या डैमेज हुआ है। ज़्यादा डैमेज तो हुआ नहीं है तो ज़्यादा पैसे मुझे लगेगा नहीं। तो चलो एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं। अब जो मुझे लग रहा है ना, अब मेरे को जो है मुनाफा हो रहा है। चलो ओके, तो रिपेयर करना हो चुका है, अभी थोड़ा सा ट्यूनिंग वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वगैरह भी कर लूँगा, पेंटिंग वगैरह थोड़ा सा करना होगा। टर्बो लगा देते हैं, ABS लगा देते हैं, सस्पेंशन थोड़ा सा बढ़ाना होगा। हो गया भैया, चलो ये देखो अभी थोड़ा सा पेंट वगैरह भी कर लेते हैं, उसके बाद भेज देंगे सीधा। पूरा हो चुका है, ये देखो गोल्डन कलर मैंने कर दिया है जो अच्छा भी लग रहा है। ओके तो 27,000 मैंने इसको मैंने खरीदा है, 3,000 मान के चलो, तो 30,000 से मैंने इसको वो चीज कराया, तो 50,000 में मैं इसको बेचने वाला। चलो थोड़ा सा तो पैसे आने चाहिए ना। वैसे अगर आप इस गाड़ी को देखोगे ना तो डैमेज तो बहुत ही थोड़ा बहुत है, डर्टी तो बहुत ही गंदा वाला है, वो चीज करना होगा पहले। एक काम करते हैं, इस गाड़ी को पहले बेचने का ट्राई करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा भाई। ओके तो चलो एक एक करके बात करते हैं भाई। 50,000 इसका दाम है, तो चलो 34,000 ये बोल रहे, चलो अभी देखते हैं। 35,000 ये 35,000 बोल रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 27,000 मैं लेके आया था, 38,000 भाई साहब,
क्या बोल बोल रहे हो भाई, 45,000 आप दे दो, आप जाके ले चले जाओ, थोड़ा सा कम करे तो। चलो भैया 40,000 दे दो। 40,000 पे मैंने बेच दिया भाई, 40,000 पे बेच दिया। ओ भाई अभी देखो ऑडी को हम लोग कितने दामों में, अच्छे दामों में बेचते हैं। तो चलो भाई वॉश वॉश सब कुछ करके आएंगे भाई। जब से मैंने बेगर को दे दिया है ना पैसे, तब से भैया मेरा नसीब ही खुल गए भाई। ओके चलो 60 रुपये हम लोग यहाँ पे दे देते हैं और जाके जो हमारे कहाँ पे गया भैया, शुभचिंतक, हमारे शुभचिंतक भैया 2 दिन से यहाँ पे बैठे नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए या मन उदास करके। ओके तो ड्रिप लगा देते, ये लगा देते, ये लगा देते, ये भी लगा देते, ये भी लगा देते, व्हील हम लोग लगाएंगे, ये ज्यादा बेटर लग रहा है तो इसको हम लोग लगा देते। ओके तो लगभग हमारा जो 80% काम हो चुका है, अभी जस्ट कलर करते हैं और उसके बाद वॉश करके आते हैं। तो चलो सीधा जाके यहाँ पे घुसा देते हैं अंदर। ये देखो भाई पूरा गोल्डन कलर मैंने दे दिया भाई, बहुत पैसे लुटा रहा हूँ भाई इस पे, तो मैं बहुत चीज करूंगा भाई, बहुत पैसे लग रहा है भाई यहाँ पे। ओके तो अभी बस एक काम और बाकी रह गया जो है पॉलिश करना, उसके बाद अरे भाई साहब मैंने तो अपने इस शोरूम को मैंने बंद नहीं किया भाई, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो बिल है इतना ज़्यादा तेज तेज आ क्यों रहा है भाई, ऐसे ज़्यादा बिल आया ही नहीं। देखो ऑडी हमारा वॉश हो रहा है भाई, ओ माय गॉड भाई ये देखो, अभी देखो इस पे डैमेज बिल्कुल भी नहीं है, देखो 0% डैमेज है, 0% पेंट है इसका, तो भैया एकदम भाव बहुत ही ज्यादा वो चीज करूंगा मैं। तो इसका मैं दाम रख रहा हूँ 55,000, चलो 55,000 मैंने रखा है, चलो देखते हैं ये बेच पाता हूँ या नहीं। चलो कितने में ले रहे हैं भाई साहब ये भाई, 20,000 अगर बोला ना भाई थप्पड़ मार के यहाँ से भगाऊंगा। अरे भाई 30,000, नहीं 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 30,000 नहीं भाई, आप चलो 45,000 तक मैं मान सकता हूँ, इससे कम नहीं करूंगा भाई, ये ऑडी है डोंट सेल। चलो और भी कस्टमर्स आएंगे भाई, इस टाइम पे ज्यादा ना तो वहां पे मिल रहा है और ना ही यहाँ पे मिल रहा है भाई, 30,000 पे मिलेगा तो हाँ ये गाड़ी जो है बहुत ही ज्यादा वो चीज है। चलो मस्टैंग है, ओके 33,000 दे रहा है, चलो एक बार्गेन करता है, मस्टैंग है, मस्टैंग पे ना बहुत ही ज्यादा वो ठीक है भाई, डैमेज बहुत डैमेज है ना, एक काम करता है 25,000 पे दे दो आप, नहीं देंगे जब भाई मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है चलो मुझे पता है, तो 28,000 इस पे तो दे दो, मुझे भी वो चीज कराना है भाई। मिल गया भाई, ओके काम करते इसको पहले रखते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा प्राइस पे मैं रख सकता हूँ, थोड़ा सा 2-3 हज़ार का एक अगर मुझे मिल जाए ना तो बहुत ही ज्यादा लुक देखते है भाई। इस पे मैं 4-5 हज़ार तो मैं खरीद ले ही सकता हूँ, तो चलो इसको भी खरीद लेते हैं, थोड़ा सा बार्गेन करते हैं इस पे भी, चलो 1,800 पे दे दे, इतने में दे दे 1,750, चलो आई थिंक दे दिया इसने, हाँ दे दिया चलो। ओके तो इसको मैं एकदम रिपेयर करने के लिए रख देता हूँ, नहीं एक काम करते ना इसको मैं टो करा देता हूँ और इस पे चलते घर, चलो इसको टो करा देते हैं और इस पे चलते घर भाई। मस्टैंग 3-3 गाड़ी मैंने ले लिया गाइस, ओ भाई लुक देखो यार, इसको तो मैं बहुत ओपी तरीके से बेचूंगा। ऑलराइट तो अभी हमारे पास 897 जो है हमारे पास पैसे है, और यहाँ पे पता नहीं यार भाई साहब, चलो कोई नहीं कोई नहीं, इससे हमें एक्सपी मिलेगी ना, एक काम करते हैं इसको ना मतलब देखना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा डर्ट हो चुका है, चलो 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 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले काम करते इसको ना बेचूंगा नहीं भाई, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बेचेंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बोलना कि हमें जो है कितना पैसा मिलने वाला है, इस गाड़ी का जो मैंने प्राइस रखा है वो मैंने 55,000 मैंने रखा है, और आप कमेंट करके ये भी बोलना, ये मैं थोड़ी देर बाद मैं रख दूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बाद आप गेस करके बोलना कमेंट पे कि हमें जो है कितना पैसा मिल सकता है, ठीक है इन दोनों गाड़ियों को अगर मैं बेच दूंगा तो हमें कितना मुनाफा हो सकता है, ट्यूनिंग वगैरह तो हो चुका है एंड नाउ बस थोड़ा सा मुझे वो चीज करना होगा कलरिंग, अच्छा 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 कलरिंग वगैरह करना होगा, तो चलो इसका मैं सोच रहा हूँ रेड कलर करूँ, ठीक है रेड कलर एकदम ओपी लगेगा भाई। चलो ये देखो गाड़ी अपने, ओ आई साहब रेड कलर, ऑल राइट अब देखो भैया गाड़ी हमारी जो कितना ज्यादा असम लग रहा है भाई। ओके तो अभी देखो अभी कोई भी वो चीज नहीं है, डर्टी थोड़ा सा है तो उसको जाके हम लोग $50 दे के हम लोग वो चीज कर सकते हैं, डैमेज का पता नहीं भाई, डैमेज भी थोड़ा सा है तो चलो डैमेज है ना थोड़ा सा, तो एक काम करते हैं डैमेज को भी हम लोग थोड़ा सा वो चीज कर देते हैं भाई, मुनाफा तो कमाने होंगे ना, कितना पैसा लगेगा 100, चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दो भाई, तब तक के लिए हम लोग एक जाते हैं और काम करके आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको। ओके हो गया भाई, अभी जाके इसको जस्ट मुझे वॉश करना होगा, उसके बाद हम लोग बेचने के लिए रख देंगे। चलो थैंक यू गाड़ी को साफ करने के लिए,
भाई ये तो मस्टैंग भाई एकदम ओपी लग रहा है भाई, ड्रिप देख रहे हो ना भाई साहब, चलो एकदम फटाफट गाड़ी को भगा के चलते हैं और वॉश करके लेके आ जाते हैं। भाई ड्रिफ्ट देखो यार, कहाँ पे ब्रेक लगा रहा हूँ और कहाँ पे आ रहा है भाई। भाई देखो अपना मस्टैंग जो वो बहुत ही ज्यादा भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, इतनी जल्दी मैंने जो ये दोनों गाड़ियों को मैंने खरीद लिया भाई, दो ऑडी मैंने एक ऑडी को बेचा और उसके बाद एक और ऑडी आ गया भाई मेरे पास, और उसके बाद ये देखो मस्टैंग आ गया भाई ऐसा। चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में मेरा एक ही गोल है इंदुरु को बेचूंगा, उसके बाद भाई एक अच्छी गाड़ी में लेके आऊंगा, 1 लाख के ऊपर में लेके आऊंगा अगर मुनाफा उतना हुआ तो। और राइट, तो हमारा जो मस्टैंग है वो एकदम पूरा फुल वॉश हो चुका है, तो चलो इसको ऑफ करते, एक बार मैं देखने वाला था। अभी देखो बस मुझे इस पर फ्यूल डलवाना है, उसके बाद हो जाएगा भाई, फ्यूल डलवा दूंगा तो हो जाएगा हमारा काम। तो चलो फटाफट चलते हैं और अपने शोरूम पे इसको लगा देते हैं भाई। ऑल राइट, तो अभी धीरे धीरे करके इसको रख देते हैं यहाँ पे। ओके भाई हमारी गाड़ी देखो यार। ओके तो फ्यूल अप कर देते हैं एंड नाउ अभी देखो 0% डैमेज है, 0% पेंट है, तो इसको मैंने खरीदा था वो चीज करके। और अभी देखो अभी इन दोनों गाड़ियों को मैं बेचने वाला हूँ, इसको और इसको, ऑडी को एंड मस्टैंग को। ओके तो इसको मैं थोड़ा सा मैंने रखा है, अभी देखा जाएगा भाई इसका प्राइस भाई 5-10 हज़ार में अगर मिल जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ये दोनों गाड़ी आपको कमेंट करके जरूर बोलना, इसका मैंने 55,000 मैंने रखा है और इसका मैं सोच रहा हूँ 80,000 के आसपास मैं रखूंगा, 85,000 में रखूंगा भाई, मस्टैंग है भाई देना तो चाहिए वैसे भाई, पूरा मॉडिफिकेशन है भाई, 90,000 में रखूंगा, उसके बाद 70,000 के अराउंड जो अगर मिल जाएगा ना तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो आज के लिए भाई इतना ही रखता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट करके जरूर बोलना इन दोनों गाड़ियों पे मुझे कितना मुनाफा देखने को मिलेगा। ओके तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी फटाफट से भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई आप एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो भाई, अभी तो क्या वेट कर रहे हो भाई, ये सीरीज बहुत ही ज्यादा ओपी लगेगा और उसके बाद देखना भाई धीरे धीरे करके जो हमारा शोरूम है इसको भी बड़ा करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो भाई। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।